कुछ इस तरह से बात कर रहा था। हेलो बेटा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ। बिजी हो क्या, ऑफिस में हो? नहीं माँ, सब्जी काट रहा हूँ। क्या सब्जी काट रहे हो? बहू क्या कर रही है? माँ वो तो सोई है, अब खाना बन जाएगा तो ही ना उठाऊंगा। देखिए क्या हाल करके रखा है आज के मॉडर्न बहुओं ने मेरे बेटे का। तो चलिए इसी पर आधारित हमारी अगली प्रस्तुति है। हमारे विद्यालय के कुछ बच्चे आपको हंसाने आ रहे हैं, क्योंकि कहा गया है ना, जो हंसे उसका घर बसे। बिल्कुल विद्या, लेकिन जिसका घर बसे फिर बता वो कब है हंसे। तो आइए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जरूर आना। अब हम करेंगे आराम और मेरी बीवी करेगी काम, बुझा? ठीक है, पहले शादी कर ले फिर देखूंगा। जब से हुई है शादी सासों बहा रहा हूँ, पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। जब से हुई है शादी सासों बहा रहा हूँ, आपस गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। बन गया नौकर, बिस्तर लगा रहा हूँ
लगा रहा हूँ, चादर बिछा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है के लिए लगे दिल की लगन।
ये कहता है कि हाँ मैं भारत से हूँ, हाँ मैंने भारत की इस पावन धरती पे जन्म लिया है और यही मेरी असली पहचान है। सोने की गरिमा कहा जाने वाला मेरा भारत देश आज अपनी गरिमा खोई जा रहा है और इसका एकमात्र कारण बाल श्रम है और अपने देश को स्वच्छ ना रखना। तो हमारी अगली प्रस्तुति कुछ इसी से आधारित है, तो आइए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। में प्रारंभ से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है। ईश्वर के बाल रूप तथा बाल गणेश, बाल गोपाल आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। हे कीमती बच्चे, फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं? अपनी किस्मत की रेखा छोटे बर्तनों में घिसते हैं। घर बाजार वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते और देखते और सो जाते हैं। चलो देर से ही सही, अब जाग जाते हैं और इन बच्चों को इनका हक दिलाते हैं। Thank you.
देश मेरा फिर देखना तुम कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। सिद्ध पे आ जाए देश मेरा, देश मेरा, देश मेरा फिर देखना तुम।